हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है दिल्ली से कोयम्बटूर के लिए, जहां मैं बहुत सारी जगह घूमूंगा और उनमें से एक है आदियोगी। चलिए जानते हैं कुछ आदियोगी के बारे में। आदियोगी का निर्माण 2017 में फरवरी के महीने में हुआ था ईशा फाउंडेशन के द्वारा और सदगुरु जग्गी के द्वारा। आदियोगी कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से बस 30 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां आप बस से या टैक्सी की सहायता से जा सकते हैं। आदियोगी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी मिल चुका है एज ए लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर का। आदियोगी इज फेमस फॉर मेडिटेशन एंड योगा। बोला है उसके बाद दो जगह और शिवाय। ईशा फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर हमें दो चीज़ देखने को मिलती है। एक तो है यहाँ आदियोगी जो हमें दिख रहे हैं, इनका स्टैचू, और एक ध्यान लिंग टेम्पल जो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर पार्किंग की कहे तो यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। आदियोगी 30 किलोमीटर दूर है कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से, जिनके फाउंडर सतगुरु बाबा जी हैं। आदियोगी का स्टैचू उनके टीचिंग्स को दर्शाता है। ईशा फाउंडेशन के द्वारा आपको रूम की फैसिलिटीज मिल जाती है। योगी आदि योगी ने अपने सात शिष्यों को ज्ञान दिया कि 112 तरीके से मनुष्य अपनी सीमाओं को प्राप्त कर सकता है। ये मेरी मम्मी है जो वेट कर रही है फोटो खिंचवाने का हीरो और हीरोइन के साथ जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं इधर आया हूँ तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ शूटिंग चल रही है या प्रैक्टिस डांस की। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर शूटिंग चल रही है, थोड़ी सी शूटिंग दिखाता हूँ। शूटिंग डांस की शूटिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस हो रहा है एक मूवी के लिए, और यहाँ आप देख सकते हैं साउथ की हीरोइन ऐश्वर्या भी है यहाँ पर जो परफॉर्म कर रही है। तो साउथ की लैंग्वेज में अर्जुन सर को कुछ कहा जा रहा है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ अपने प्यारे भोलेनाथ जी से। यहाँ मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ। यह आदियोगी स्टैचू 35 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है, और टोटल लंबाई है इसकी 45 मीटर्स। जैसा आप देख सकते हैं कितना प्यारा बनाया गया है।
तो ये आ रही है हमारी सवारी, इस पे अभी हम जाएंगे मंदिर घूमने के लिए आगे। अच्छा अच्छा, चलो हम बैठेंगे सवारी में। सिट। ये कार्ड मिला है अभी, ये टाइमिंग्स। पुराने फोटोज ले रही हूँ मैं तो, मार दी मैंने वापस कर दिया था ना। तो मैं आया हूँ लिंगा टेंपल, अब जा रहे हैं लिंगा टेंपल देखेंगे और दर्शन करेंगे भोलेनाथ जी के। और इधर रेस्टोरेंट भी है खाने के लिए, गेट के बाहर ही है और यू कैन सी द गेट। यह गेट ध्यानलिंगा की ओर प्रस्थान कराता है। ध्यानलिंगा में मोबाइल अलाउड नहीं है। यहाँ सूर्य कुंड और चंद्र कुंड है। ध्यानलिंगा के निर्माण की बहुत ही खास स्टोरी है। ध्यानलिंगा को ईंट के ऊपर ईंट रख के बनाया गया है, बिना सीमेंट यूज किए गए। ध्यानलिंगा एक मेडिटेशन सेंटर है जहाँ आपको मेडिटेशन ऑफर किया जाता है। यहाँ काली मंदिर भी है, आप उनके भी दर्शन करें। ध्यानलिंगा में एनवायरनमेंट को फील करें, ऑब्जर्व करें और अपनी फीमेल फ्रेंड्स और बहनों का ख्याल रखें। मेरे साथ बने रहें अगले वीडियो में और आदि योगी का शो देखें नेक्स्ट वीडियो में।